नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में डेंगू का कहर जारी, जिले में 917 डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए। सत्र 2021-23 तक के बीएड के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान होकर पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। सोनारी में ओला चालक पर जानलेवा हमला कर लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटे गए सामान जब्त। और बिष्टुपुर में एसडीओ के आदेश का उल्लंघन कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जेएनएसी ने की कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में डेंगू का कहर जारी है। अभी पूर्वी सिंहभूम जिले में 917 मरीज डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले के सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा कि लगातार पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू की जांच चल रही है और लोगों के बीच प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अब तक कुल 917 डेंगू के मरीज जिले में मिले हैं, कई लोगों की जांच चल रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी भी जांच भी हो रही है और पॉजिटिव भी आ रहे हैं, लेकिन पहले के तुलना में बहुत घटा है। कल जो 26 था उसके पहले वाले दिन 24 था, उसके पहले वाले दिन 8 था। तो उम्मीद है कि आने वाला दिन और डेंगू घटेगा। अभी उस पर हम लोग सभी विभाग और टिस्को टेलको जूसको और टेलको और तीनों यूएलबी मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में 7,735 जांच में 917 रोगी अब पूर्वी सिंहभूम में पॉजिटिव मिले हैं। इधर सत्र 2021-2023 तक के बीएड के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान होकर छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न कॉलेज के लगभग 250 छात्र छात्राओं के समक्ष छात्रवृत्ति की राशि को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। छात्रों को कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए बीएड कॉलेज की छात्रा ने बताया कि केवल यह समस्या रंभा कॉलेज का नहीं बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अधिकांश कॉलेज का है। उन्होंने कहा कि छात्र परीक्षा देंगे या फिर इधर उधर चक्कर काटेंगे। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को दिलवाने के लिए कुछ कदम उठाए। उनकी मांगे ये है कि हम लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। हम लोग 21-23 के छात्र हैं और रंभा कॉलेज के हैं, तो आप ही बताइए अगर छात्रवृत्ति नहीं आई है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोग का एग्ज़ाम का फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भी फिलअप हो रहा, हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर यहाँ से वहाँ चक्कर काटे कि हम लोग का भी कल्याण का पैसा आएगा, हम लोग पढ़ाई करें। तो इस तरह से हम लोग की पढ़ाई में बहुत कब से नहीं मिला छात्रवृत्ति का पैसा। सर फर्स्ट सेमेस्टर से बहुतों का नहीं आया है और मेरा सेकेंड सेमेस्टर का नहीं आया है, समझे। तो हम मेरा तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का ही नहीं आया है, लेकिन बताइए बहुत से सीधे के मेरे कैंडिडेट बहुत कोई है, आप ही बताइए हम लोग छात्रवृत्ति के दौड़े की पढ़ाई करें। उधर सोनारी में ओला चालक पर जानलेवा हमला कर लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और लूटे गए सामान भी जब्त किए गए। जमशेदपुर के सोनारी में ओला चालक को चाकू से जानलेवा हमला कर ओला वाहन मोबाइल पर्स लूट लिए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया आरोपी सोनारी का ही रहने वाला हरप्रीत सिंह है। उसके पास से एक मारुति सुजुकी ऑल्टो कार, एक ओप्पो और रियलमी कंपनी का मोबाइल, एक काला रंग का पर्स जिसमें पीड़ित के आवश्यक दस्तावेज और एक अस्तूरा बरामद किया है। वहीं इस मामले में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी का कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं है, वह नशे का आदि है। कुछ दिन पूर्व ही नशा मुक्ति केंद्र से छुटकर घर आया है। वह अच्छे परिवार से आता है परंतु नशे की लत ने उसे लूटकांड की घटना को अंजाम देने पर मजबूर किया है। गौरतलब है कि घटना 27 सितंबर की रात की थी, जहां आरोपी युवक ओला बुक कर बिष्टुपुर रेगल गोलचक्कर से सवार होकर सोनारी एरोड्राम के लिए चला था। एरोड्राम पहुंचकर उसने जनता बस्ती सोनारी चलने को कहा। ड्राइवर ने उसे जनता बस्ती पहुंचाया, जहां पैसे देने के क्रम में चालक पर अस्तूरा से हमला कर दिया। हमले में चालक की गर्दन कट गई और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। चालक ने बीच बचाव का प्रयास किया जिसमें उसके दोनों हाथों की उंगली भी कट गई थी। वहीं ओला चालक ने 28 सितंबर को सोनारी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हम लोग लगातार छापेमारी करवा रहे थे, उसी क्रम में वह व्यक्ति भी हम लोगों को पकड़ा गया जिसने यह घटना कारित की थी और उसने जिस उस्तरे से उस ड्राइवर के ऊपर हमला किया था वो उस्तरा भी बरामद किया है। ड्राइवर का वो पर्स जिसको लेकर के वो भागा था वो भी बरामद हुआ है
और ड्राइवर का उसने मोबाइल फोन भी छीना था, वो भी हम लोग को मिला है। तो आज उसी व्यक्ति को गाड़ी जो ओला मतलब वो बेसिकली गाड़ी भी लेके भाग गया था, तो इसीलिए बड़ी घटना हो गई थी ये कि एक हम लोग का मारुति कौन सा ये सुजुकी है नहीं अल्टो है, अल्टो है मारुति सुजुकी अल्टो हम लोग का जो है उसके पास था, जिसका नंबर J05BV7594 था, वो आप लोग को मिल जाएगा उसमें प्रेस विज्ञप्ति में है वो। तो ये हम लोग को सब कुछ बरामद हुआ है, जो अक्यूज था वो भी पकड़ाया है और अब हम लोग उसको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर में SDO के आदेश का उल्लंघन कर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ JNSC ने कड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार को JNSC के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाया। अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान को हटवाया। मौके पर मौजूद JNSC के सिटी मैनेजर अनय राय ने बताया कि बीती रात SDO द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था, इसी बीच उन्होंने अतिक्रमण कर बनाए जा रहे दुकान को हटाने का आदेश दिया था, बावजूद इसके दुकान को बनाया गया इसी पर कार्रवाई करते हुए आज दुकान को हटाया गया। सिंहभूम चैम्बर ने कार्रवाई का किया समर्थन। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी समर्थन किया है। मौके पर पहुंचे चैम्बर के मानव केड़िया ने बताया कि उक्त दुकान को अतिक्रमण कर बनाया जा रहा था, इसमें दूसरे दुकानदार को परेशानी हो रही थी, इसको लेकर SDO से शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह अतिक्रमण करना गलत है, चैम्बर ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा। किसी भी दुकान का गेट के सामने कोई दुकान खड़ा कर दे ये तो बहुत ही गलत है, एकदम नाजायज है। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट का बात है तो इंक्रोचमेंट से ऊपर है ये तो, मतलब किसी के दुकान के घर हो चाहे दुकान हो, किसी के घर गेट के सामने कोई अपना दुकान बना दे घर बना दे तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और हम लोग ने विरोध किया। और बहुत खुशी की बात है कि SDO साहब ने भी इसको सुना और तुरंत कार्रवाई की। और संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति का सुंदरनगर तुरामदी यूसील मैनेजमेंट के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वही जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान भोक्ता हाजदा और संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति के अध्यक्ष झानो दिगी ने कहा कि यूसील के खिलाफ हम लोग अपने विभिन्न मांगों को लेकर गेट जाम किए हैं, क्योंकि विस्थापित और प्रभावित लोगों को उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। कंपनी मनमानी कर रही है, क्षेत्र में CSR के तहत लोगों को किसी प्रकार की लाभ भी नहीं मिल रही है। कल बीती रात्रि धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ कंपनी के कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। मैं बता देना चाहता हूं और प्रेस और मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन और मैनेजमेंट को आगाह कर देना चाहता हूं, आदिवासी मूलवासी खुटकाटी आदमी को अगर आप छेड़ोगे तो यहां के आदिवासी आपको छोड़ेगा नहीं, सड़क से सदन तक लेके आंदोलन करेंगे, सर कटा देंगे, लेकिन अपना हक और अधिकार के लिए हम नहीं झुकेंगे। हम लोग जब यहाँ गेट का बाहर आ गए, वहाँ से जब हम लोग का ऊपर में इस तरह का बदसलूकी हुआ तो हम लोग गेट का बाहर आ गए, क्योंकि वहाँ सिर्फ कंपनी अंदर था तो कंपनी अपना मनमानी कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पूरा बस्ती का है, इसीलिए हम लोग बाहर निकल गए थे। कंपनी अंदर में हम लोग के साथ इस तरह का दुर्भाग्य हुआ इसीलिए हम लोग बाहर निकले, तो यहाँ भी उन्होंने अपना आदमी को लगा करके लाठीचार्ज कराया महिला के ऊपर में, जबकि उन लोगों के पास कोई परमिशन नहीं था, फिर भी हम लोग को मारा गया है महिला लोगों को। और ये भी सुनने में आया कि नहीं उन लोगों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये भी यहाँ का अगर हक भी अगर नहीं मांग सकता है तो ये कैसे हो सकता है, तो ये वाजिब जो भी मांग था उनसे बात करना चाहिए, इसके लिए अभी हम पहल कर रहे हैं। इधर जादूगोड़ा नरवा टाटानगर मुख्य सड़क पर स्थित गोडाडी के सामने कैनाल के निर्माण के समय बनाया गया पुलिया काफी जर्जर होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है, गाड़ी मालिकों को काफी परेशानी होती है, बार बार गाड़ी पलटी होने का भय सताते रहता है। गाड़ी मालिकों का कहना है कि खाली गाड़ी भी नहीं चढ़ पा रही है, वहीं लोग इसके कारण काफी आक्रोशित है, विशेषकर बरसात के समय में सड़क काफी खतरनाक हो जाती है। इस पुलिया से वाहन लगातार दुर्घटनाग्रस्त भी हो रही है। जानकारी हो कि रोजाना हजारों गाड़ियां इस मुख्य सड़क से आवाजाही करती है, रात के समय लोगों को काफी परेशानी होती है। कैनल के सामने निवासी पारसनाथ का कहना है कि जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से काम बंद करवा दिया गया है, काम बंद होने की वजह से पैसेंजर को पुलिया के इस पार उतार दिया जाता है, पुलिया पार करके फिर चढ़ाया जाता है, कई बार ट्रक यहां फंस जाती है, फिर हम लोग JCB मंगवा कर निकलवाते हैं। सरकार से अनुरोध किया है कि जिसका जमीन का मुआवजा बाकी है उन्हें देकर पुलिया को जल्द से जल्द बनवा दे, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। इसमें देखिए डेली बस चलता है, ठीक है, 12 घंटा 13 घंटा बस चलता है, सब पैसेंजर को सारा पैसेंजर को उतारना पड़ता है, यहाँ आगे जाके पुलिया को उस पर चढ़ाता है, उसके बाद 8-10 तो यहाँ पर बड़ा बड़ा हाईवा फंस चुका है अभी तक, जो कि
उधर टाटा ब्लू स्कोप के कर्मचारियों को इस साल भी मिलेगा 20% बोनस। मैनेजमेंट और यूनियन के बीच समझौता हुआ। टाटा स्टील के सहयोगी कंपनी टाटा ब्लू स्कोप के कर्मचारियों को इस साल 20% बोनस मिलेगा। शुक्रवार को टाटा ब्लू स्कोप मैनेजमेंट और यूनियन के बीच हुए समझौते के बाद इसकी घोषणा की गई। बोनस फॉर्मूला के आधार पर 19.1% बोनस बन रहा था, लेकिन यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे और कमेटी के आग्रह पर मैनेजमेंट द्वारा इसे 20% कर दिया गया। इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम ₹32,000 और अधिकतम ₹78,535 और औसतन ₹56,635 का लाभ मिलेगा। कुल 105 कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। वहीं बीते 6 दिनों से जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट मंदिर पर हजारों की संख्या में साधु संतों का जुटान हुआ है। जय हो बाबा बड़ौदा बाबा की जय हो के उद्घोष से मंदिर परिसर गुंजायमय रहा। सभी साधु संत बाबा बड़ौदा की समाधि स्थल पर पहुंचे थे। 2 साल पहले इसी जगह जमशेदपुर के खरकई नदी किनारे बाबा बड़ौदा ने अपनी समाधि ली थी। इसके बाद यहां मंदिर का निर्माण हुआ और हर साल बंगला तिथि के अनुसार नव आसी माह में बाबा बड़ौदा की याद में 24 सितंबर से 6 दिनों तक साधु संतों का जुटान होता है, जिसकी विदाई की गई। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट मंदिर परिसर में बाबा बड़ौदा की समाधि दिन में पारंपरिक भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्य से साधु संतों का जुटान हुआ। करीबन 2000 साधु संत बागबेड़ा के बड़ौदा घाट पर पहुंचे हैं। 5 से 6 दिनों तक इसी घाट पर रहकर वे बाबा बड़ौदा की पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर बाबा बड़ौदा सेवा समिति की ओर से बृहत रूप से भंडारे का आयोजन किया जाता है। करीब 200 साल से संत साधु संत आते हैं और हम लोग ये जो बाबा का जो है इसमें हम लोग का जो एक तिथि है 9 आसिन जो बाबा अपना समाधि लिए थे। वहीं घाटशील अनुमंडल अंतर्गत जोटसा पंचायत के लगभग 600 ग्रामीणों को विगत 3 माह से नहीं मिल रहा राशन। पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई एवं ग्रामीणों को राशन उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के घाटशील अनुमंडल अंतर्गत जोटसा पंचायत के लगभग 600 ग्रामीणों को विगत 3 माह से राशन नहीं मिल रहा है। पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई एवं ग्रामीणों को राशन उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार तमाम जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन नहीं देने को लेकर तरह तरह के बहाने बनाते हैं। विगत 3 महीनों से तकरीबन 600 ग्रामीणों को राशन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इसमें तमाम ग्रामीण परेशान है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा, साथ ही त्वरित राशन उपलब्ध करवाए जाने की मांग उठाई। अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला ने खरसवा प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने तथा लंबित कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला रामकृष्ण कुमार ने आज खरसावा प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में उन्होंने प्रखंड अंतर्गत के विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण कर विभिन्न पंजीयों का जायजा लिया। इसके पश्चात सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं का समीक्षा कर योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने तथा लंबित कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी ने विभिन्न पंचायतों में भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना तथा आंगनबाड़ी केंद्र चिल्कू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से वार्ता कर अन्य लाभुकों को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने हेतु प्रेरित करने की बात कही। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सिंधू डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारी सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एक्सरे, डिजिटल ECG, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप और होम कलेक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूर्वी सिंहभूम के सभी सरकारी अनुमंडल अस्पतालों की सलाह पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारा एड्रेस गुड़िया मैदान, जोन नंबर 1, बिरसा नगर। हमारा फ़ोन नंबर 9234654329। हमारे मेडिकल स्टोर पे सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ उचित मूल पर उपलब्ध हैं। नायडू मेडिकल, संडे मार्केट, शॉप नंबर 3। सेवक पूजा भंडार,
जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। दक्षिण पूर्व रेलवे के ZRUCC की 103वीं बैठक कोलकाता के ताज बंगाल होटल में संपन्न हुई। आज की बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मामलों को पुनः एक बार समिति के समक्ष रखा। सांसद महतो ने जिन मांगों को मुख्य रूप से रखा उसमें टाटा आरा ट्रेन को बक्सर तक ले जाने, टाटा से जयनगर रेल सेवा की शुरुआत करने, टाटा लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस का पुनः परिचालन करने, टाटा LAP का पुनः परिचालन करने, घाटशिला रेलवे स्टेशन पर संतरागाछी अजमेर शरीफ ट्रेन, गोरखपुर शालीमार ट्रेन और समलेश्वरी एक्सप्रेस का ठहराव करने, गालुडी रेलवे स्टेशन पर इस्पात एक्सप्रेस, शालीमार कुरला टाटा खड़गपुर मेमू ट्रेन का ठहराव करने, राखा माइन स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव करने, जुगसलाई और धालबुमगढ़ में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने, घाटशिला के कुतलुडी में रेल अंडरपास का निर्माण करने, बारीगोड़ा और गोविंदपुर में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने की मांग मुख्य रूप से शामिल थी। उधर लता मंगेशकर और आशा भोसले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में होगा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। इसकी जानकारी सुनील कारोके म्यूजिक थेरेपी के निर्देशक सुनील कर्मकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। निर्देशक सुनील कर्मकार ने कहा कि कार्यक्रम की खास बात यह है कि सारे गाने लता जी और आशा जी से संबंधित होंगे और हमेशा की तरह इसमें भी आप सभी को कुछ नए प्रतिभाओं को फिर से देखने तथा सुनने को मिलेंगे, जो कि सुनील कैरियोके म्यूजिक थेरेपी हमेशा से करती आ रही है, जिनका प्रशिक्षण संस्था द्वारा ही दिया गया है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में होगा। लता दीदी और आशा भोसले जी दोनों की जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया है और जिसमें शहर के बहुत सारे कलाकार, खास करके शौकीन कलाकार जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, उनको हम लोग तैयार करके मंच पर उतारते हैं लोगों के बीच। बस यही हम लोग का उद्देश्य है, किसी का शौक घर तक ना रहे, उनका शौक लोगों तक जाए, उनकी प्रतिभा लोगों तक जाए, यही हमारा उद्देश्य है। इधर देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की ओर से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। टाटा मोटर्स के तमाम अधिकारी शामिल हुए और लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। आज के भागदौड़ भरे लाइफ में दिल को स्वस्थ रखना और हार्ट अटैक से बचना बड़ी चुनौती है। आज देश और दुनिया में हृदय रोगियों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए WHO हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे का आयोजन करता है, जिसमें यह संदेश होता है कि कैसे हम अपने दिल को तरोताज रख सके। इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की ओर से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा मोटर्स अस्पताल प्रबंधन और टाटा मोटर्स के सभी स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया। इसमें टाटा मोटर्स के तमाम अधिकारी शामिल हुए और लोगों को जागरूकता संदेश दिया। टाटा मोटर्स प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने प्रशासनिक भवन के समीप से वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो टेल्को एरिया में घूम घूम कर लोगों को हृदय से संबंधित रोगों एवं इससे बचाव को लेकर जागरूक करते हुए पुनः टाटा मोटर्स अस्पताल के पास आकर समाप्त हुई। टाटा मोटर्स सिक्योरिटी प्रमुख बी सिंह ने बताया कि छोटी छोटी गलतियों के कारण आज देश में हृदय रोगी बढ़ रहे हैं, जीवन शैली में सुधार लाकर इसे बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक बताकर
नहीं आता। इसके लिए नियमित जांच, खानपान की शैली में बदलाव और नियमित व्यायाम से ही कमी लाई जा सकती है। वहीं टाटा मोटर्स अस्पताल के जीएम डॉक्टर संजय ने बताया कि टाटा मोटर्स अस्पताल प्रबंधन का हमेशा प्रयास रहता है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम के जरिए समाज में जागरूकता लाई जाए ताकि लोगों को हार्ट अटैक से बचाया जा सके। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शादाफ जफर शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल को केवल चुनावी जुमले बताए, साथ ही इसमें कई संशोधन की बातें भी कही। इस बाबत जिला कांग्रेस के द्वारा परिसदन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, महिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा समेत जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। बातचीत के क्रम में महिला कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सादाफ जफर ने बताया कि केंद्र सरकार ने विगत दिनों महिला आरक्षण बिल लाया, जो केवल चुनावी जुमले हैं। ऐसे जुमले वर्ष 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को देते आ रहे हैं। इस बिल में कई संशोधन की जरूरत है, साथ ही बिल में ओबीसी एवं एससी तथा एसटी समाज के प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता व मंत्री खुद महिलाओं पर शोषण करते हैं और विगत कुछ वर्षों से अलग अलग राज्यों में महिलाओं पर हुए शोषण इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ तक कि भाजपा की महिला नेत्रियों ने कई बार इस बात का जिक्र किया है, लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, लेकिन अफसोस यह ऐसा बिल है कि इसे त्वरित लागू नहीं किया जा सकता और इसे लागू करने के लिए कई वर्षों का समय लगेगा और भाजपा और केंद्र सरकार ने केवल चुनावी जुमले के तहत इस बिल को पेश किया है ताकि देश की महिलाओं को जुमलों में फंसाकर एक बार फिर वो वोट हासिल कर सके, लेकिन देश की महिलाएं आगामी लोकसभा चुनाव में इसके विपरीत जवाब देगी। कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम कहते हैं कि आप सही तरीके से सही मंशा के साथ आप ये बिल लेकर तो आए। हम कहते हैं कांग्रेस क्यों दे, भाजपा क्यों दे, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल क्यों दे, हमें अगर देना ही है तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाकर एक एक्ट बनाकर क्यों ना दे उन तमाम महिलाओं को, जहां पे आप प्रतिबद्ध कर दे हर पॉलिटिकल पार्टी को महिला को टिकट देने के लिए। वही जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र की जनता को अब खराब सड़क से निजात मिल जाएगी। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता एवं क्षेत्र के विधायक मंगल कालंदी तथा स्थानीय जिला परिषद डॉक्टर पारितोष सिंह के प्रयास से कुल 7.2 किलोमीटर सड़क यहाँ बनाई जा रही है। बता दें यहाँ सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। मुख्य सड़क से तमाम इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों में गड्ढे बन गए थे और उसमें जल जमा होने से आए दिन सड़क दुर्घटना घटित होती आ रही है। इसको लेकर स्थानीय जिला परिषद डॉक्टर पारितोष सिंह ने लगातार राज्य सरकार एवं स्थानीय विधायक के समक्ष सड़क को बनाए जाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। आगामी 8 अक्टूबर को यहाँ 7.2 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। 5 करोड़ की लागत से इस योजना को पूर्ण किया जाएगा। सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने से सैकड़ों की आबादी को इस जर्जर सड़क से मुक्ति मिल जाएगी। इस आशय की जानकारी स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी एवं स्थानीय जिला परिषद डॉक्टर पारितोष सिंह ने एक वार्ता के दौरान दी। और 8 तारीख को माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं और हम लोग गोविंदपुर वासी सभी उस शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो रोड का काम है वो निश्चित रूप से शिलान्यास के बाद में काम चालू हो जाएगा, गोविंदपुर के जनता को सहूलियत मिलेगी। और जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में 1 अक्टूबर को भारत जोड़ो संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के कई मुख्य लोग शामिल होंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस रिजवी छब्बन और कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकार ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भारत जोड़ो संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मंजूर अंसारी, झारखंड प्रदेश प्रभारी भारत यात्रा उमेर खान, CLP लीडर सहमंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व CM मधु कोड़ा, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति माथारू आदि उपस्थित रहेंगे। झारखंड में जमशेदपुर में भी भारत जोड़ो संवाद रखा गया है।
1 अक्टूबर इतवार के दिन सुबह 11 बजे माइकल जॉन ऑडिटोरियम में, और जो नफरत फैली हुई है उस नफरत के बाजार में राहुल गांधी जो बार हर जगह अपनी मोहब्बत की दुकान खोलते चले आ रहे हैं, उन बातों को लेके हम लोगों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए ये भारत जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। हजारों की संख्या में आप देखेंगे 1 अक्टूबर को पैर रखने का जगह भी नहीं होगा, काफ़ी लोग आने वाले हैं और हमारे नेता को सुनने वाले, और बहुत जल्द झारखंड में हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी जी का भी आगमन होगा, उनके साथ इमरान प्रतापगढ़ी का भी बहुत जल्द आगमन होने वाला है, उसको लेकर भी हम सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में डेंगू का कहर जारी, जिले में 917 डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए। सत्र 2021-23 तक के बीएड के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान होकर पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। सोनारी में ओला चालक पर जानलेवा हमला कर लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटे गए सामान जब्त। और बिष्टुपुर में एसडीओ के आदेश का उल्लंघन कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जेएनएससी ने की कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।